अस्मिन् वर्तमाने मेषराशिद्धे श्री सूर्ये अस्मिन् वर्तमाने कन्या राशिद्धे देवग्रहौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिद्धानस्येषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्राः नामाहं गोत्र नाम का उच्चारण कर लीजिए और जो मैं कह रहा हूं उसको मन में दोहराइए।
सपत्नी को हम सकुटुंबो हम सपरिवारो हम सपुत्रो हम सपौत्रो हम श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम मम जन्म कुंडल्या सकाशात् एकेचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश क्रूर ग्रही सूचितं सूचिष्यमानं च तद्दोष परिहारार्थं जन्मलग्नात् वर्षलग्नात् गोचरात् अरिष्टतानां गृहाणां सत्य निरासार्थं आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थं तेजा अबला अपपाजा च रूपिणी बृहस्पति मंत्र प्रयान स्वाहा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्कारोमि विशेषार्घ्यः दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः प्रीणि पदापि चक्रमे विद्वशोकाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्नातेनाय प्रमाणेन पुण्यपुण्यः दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः त्रीणि पदापि चक्रमे विद्वशोकाभ्यः अतो धर्माणि ॐ भूर्वासार्थकै नमः ृहतनोतरटम जोश विमंद विश्वे देवासै शुद्धोरगतानां ते आत्मनियं जलं समर्पयामि सुजातो ज्योतिकाशयर्ममरुदमासन स्वाज्ञानं प्रदमं पुरता द्विधीमदः सुरुचोग्रेण आवह गन्धा पान्तो सुमङ्गल्यं जातु भक्षदा पान्तो आयुष्यस्तु पुष्पाणि पान्तो सौषेयमस्तु एतावानस्य महिमातोच्चायांश्च पूरुकः पादोऽस्य विश्वा सर्वभूताः सम्भृतामृतदाच्यम्बा पशोस्तां जगरे पायव्यानारण्याकाश्याञ्जाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वः राजलक्ष्मणे नमः ॐ भूर्भुवः स्वः रुद्राय नमः ॐ भूर्भुवः स्वः चरक्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः विदार्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः वेदनायै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः पापराक्षस्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः किलिविच्छाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्राय नमः ॐ भूर्भुवः स्वः वायवे नमः ॐ भूर्भुवः स्वः सोमाय नमः पुटिन थोड़ा गंदा गमला ले पुटिन ये
ਜਾਨਵਾਇਆ ਮਿਸਤਾਬਿਆਨੀ ਗੁਰਵਾ ਕਾ ਗੁਤਨਾ ਕੇ ਪਿਉਨ ਮਹਾ ਜਾਨਵਾਇਆ ਮਿਸਤਾਬਿਆਨੀ ਗੁਰਵਾ ਕਾ ਕੰਦਰਵਾ ਕਰ ਪਿਉਨ ਮਹਾ ਪ੍ਰਸਾਵਾਇਆ ਮਿਸਤਾਬਿਆਨੀ ਗੁਰਵਾ ਕਾ ਸੰਦਾਇ ਮਹਾ ਨਮਾਵਾਇਆ ਮਿਸਤਾਬਿਆਨੀ ਗੁਰਵਾ ਕਾ ਨੀਗਰਾ ਮਹਾ ਨਮਾਵਾਇਆ ਮਿਸਤਾਬਿਆਨੀ ਸਿਆਮ ਪ੍ਰੇਤਨ ਦੇਵੇ ਤ੍ਰਿਪਾਦੂ ਵਾਯਤ ਨਾਭਿਆ ਆਸੀਲਦਨ ਪਰਿਛਦੋ ਸ਼ੀਰਨੋਦਯੋ ਸਮਾਵਰਤਾ ਪਦਭਿਆਂ ਭੂਮਿਰਦੇਸ਼ਾਹਿਮਾਨ ಶಾಂತಿವರ್ಗಸ್ತಾವೆ ಶಿವಾಂಗೇ ಗು ಕುರು ಖಂಡವೇನ ವಚಸ ಸಾಕ್ಷಾವರಾಮಸಿ ಯಥಾನಃ ಸರ್ವಮಿ ಜಗತ ಯಕ್ಷ್ಮಗುಂ ಸ್ವಮನ ಅಸತ ಧೂಪಂ ಆಗ್ರಹಯಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಸೋ ಜಾತ ಚಶೋಃ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ ಶ್ರೋತ್ರಾ ದ್ವಾಹಿ ಚ ಪ್ರಾಣ ಚ ಮುಖಾದ ನಿರಜಾಯತ ಪ್ರಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಲೀಯಾಮಿ ಹಸ್ತ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತಂ ವಂದೇ ಜಾತವೇದಂ ಭುದಾಜನಾಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಮಮಲಂ ಸಮೃದ್ಧಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅನೇನ ಪೂಜನೇನ ಅಗ್ನಿಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ನಾಗುರಾಜ ಸ್ವಾಹ ಮಂದೇವಾ
ॐ त्र्यम्बकञ्जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुकमिव बन्धनामृतोर्मुषीयमामृतात् रूपमारापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनम् ॐ ईश्वर्यै नमः ॐ मत्स्यै नमः
दानाय त्वा ज्ञानाय त्वा दीर्घामानुप्रजितिमान् युगे धान देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात्वच्छुतरेण पाणिना चक्षुभेत्वा महीनां पयोऽसि मालिके नमा नयति गच्छन् सजतिवः सुभद्रिका काम्बीलवासिनीं स्वाहा ॐ अम्बे अम्बिके मालिके नमा नयति गच्छन् सजतिवः सुभद्रिका काम्बीलवासिनीं स्वाहा ॐ देवता पादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता स्वाहा घृतां रेख पक्षी हव्याम् घृतं घृत पावनः विवदा पावनः विवदान्तर्षस्य हविरश्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः जेव्हा आपण आणतो ते एक पाषाण असतं जे काही त्यानंतर त्याच्या म्हणजे तत्वाची अद्भुती हो याकरता जे हे सगळे कर्म केले पहिला लिंग वाटायचं बॅटायचं वरती असं हे साईडला करून ठेवा हा कसं करू सांगा तोंडी सांग उभं राहायचं मागे करा मागे सरकावून द्या हां असं बस आता जे आणि ते सूत आहे ना हे सगळ्या देवांचं अंग ते त्या टाकून द्या त्याला सूत थोडं आणि मग फळकं झाकून द्या बा फळकं झाकत धोतर जे आहे ना ॐ गणानन्त्वा गणपति को हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति को हवामहे निधीनन्त्वा निधिपति को हवामहे परतो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजाति गर्भदं मा स्वाहा त्वमजाति गर्भदं मा स्वाहा ॐ गणानन्त्वा गणपति को हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति को हवामहे निधीनन्त्वा निधिपति को हवामहे पदो मम अहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम् स्वाहा गणानन्त्वा
गणपति को हवा महे प्रियाणां त्वा प्रियपद को हवा महे निधीनां त्वा निधिपद को हवा महे वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजाति गर्भधाम स्वाहा सपरिवारोहम करिष्यमाण प्रतिष्ठा याग कर्मणि वास्तु स्थापन अहम करिष्ये सरस्वती पंचदासो देशे या मंदिराचे वास्तु पाहुणे सुद्धा आहे ना हा सुद्धा धरलं ना हा पण गेला जे आहे माझी दाबून ठेवायचं माती टाकून परत वरत माती टाकून परत म्हणजे वर नाही येऊन तिथे या करता माती टाकून नाही आणायचे हे असं तोंड करा या बाबतीत समर्पयामि नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य हे दोन्हीचे स्तंभ आहे हे आजूबाजूचे त्याच्यावर गणपतये नमः स्कंदाय नमः हे दोन्ही जयस्तंभ त्यांच्यावरती बाकी पुढचे गणपतये नमः स्कंदाय नमः ध्यायामि आसनार्थे अक्षदान समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधा कम्मा सोना पृथ्वीनो भवानिचरा निवेशनी इच्छानः सर्वसंताः च फलिनीर्जा अबला उपाजा च बुक्मिणी बृहस्पति प्रसुता रुद्र जीवा तनूर घोरा पाप कारिणी दयान तन्वा शान्तमया शान्तमया गिरिजन्ता विचाकशी अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो व्याय स्मरे पुण्डरीकाक्षं द्वाय गन्धर शुचि पुण्डरीकाक्षं पुनातु पुण्डरीकाक्षं पुनातु ॐ इमं मे वरुण श्रुति हवामद्या च मृडाय तामावस्यूरा च केलत्वाजामि ब्रह्माणा गन्धमान तदा शास्ते जयमानो हविर्भिः ोचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि गुरुजी 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 आप थोड़ा साइड सब
Shanti
से ब्रह्म जानते सर्व गो जानते शांति रे व जानते सा शांति रे ओम नमः पार्वती पते ओम नमो भगवते रुद्राय।
जानी कांत धी माया जी सुधे बड़े देवा हुंजाया हे दिम्बरी बाधमाना हस्तरो विश्वा पायुनाज विद्वान उमान उमान गुसम बरिका तो विश्वते पापुपादे वक्ता प्रथमो दैव्यो भिगग अहिं च सर्वां जम्भयन् सर्वाच्च जातुगान्योदराजी परासुवा अनौजताम्रो अरुणौदम् भगवान का कोई नामकरण होता है, प्रतिष्ठा के पश्चात भगवान किसी नाम से जाने जाते हैं। हमारे गुरुदेव, उनके गुरुदेव, ऐसी महान परंपरा हो रही है। जैसे भगवान श्री राम ने भगवान की प्रतिष्ठा की थी, उनका भी नामकरण हुआ था रामेश्वर। इसी प्रकार आज सूरतगिरी बंगला में प्रतिष्ठित भगवान का नाम ब्रह्मेश्वर महादेव इस नाम से आज प्रसिद्ध है। आज से भगवान ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होंगे, जो स्वयं परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा ही है, परंतु नामकरण होता है। इसी प्रकार आज इसी नाम से ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से भगवान यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए हैं। काशी से पधारे हुए वैदिक हमारे यहाँ के बहुत ही विद्वान और कर्मनिष्ठ जो हमारे गोपाल शास्त्री जी थे, उनके सुपुत्र आचार्य विनीत शास्त्री जी के नेतृत्व में यह प्रतिष्ठा उत्सव संपूर्ण हो रहा है। और साथ साथ में मेरे संकल्प को साकार करने वाले, जिनका मेरे संकल्प के साथ साथ में जिनका साथ था, संकल्प था, लगभग 5-6 वर्ष पहले ऐसा ही मैंने विचार किया कि यहाँ पर भगवान का कोई विग्रह स्थापित होना चाहिए। और उस बात को, मेरे बात को ही ध्यान में रखते हुए जिन्होंने संकल्प किया, हमारे पूर्व न्यायाधीश श्री होलंबे पाटिल, उनका परिवार, उनके सहयोग से और हमारे आश्रम की ओर से आज यह मंदिर बन करके तैयार हुआ। हमारे आश्रम के समस्त जो कार्यकर्तागण हैं, संतगण हैं, सभी लोगों ने बहुत ही यहाँ पर श्रद्धापूर्वक इस कृति को बनाने में सहयोग दिया है। साथ साथ में राजस्थान से आए हुए कलाकार, उन्होंने भी अपने बहुत ही तन्मयता से श्रद्धापूर्वक इस मंदिर को बनाया है। और बहुत अल्प समय में यह मंदिर बन करके, ये कृति बन करके, ये वास्तु बन करके तैयार हुआ है। तो छोटा सा देखने में, परंतु ये हम लोगों का श्रद्धा का केंद्र। और कभी कभी
हम लोग बड़े बड़े लोगों को आहूत करते हैं, परंतु अनायासी भविष्य में हमारे भविष्य की पीढ़ी हमारे शंकराचार्य परंपरा के हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरा जी महाराज जो हमारे परम मित्र हैं, वो अनायास यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में बिना आमंत्रित ये हुए अतिथि रूप से ऐसे हमारे स्वामी जी यहाँ पर पधारे हैं। अनेक अनेक संतगण यहाँ पर पधारे हैं, जबका सबका नाम तो अब लेना बहुत कठिन है, परंतु फिर भी ये अनायासी कार्य बहुत ही सुंदर प्रकार से समापन की ओर जा रहा है। हम सब लोग जो जहाँ बैठे हुए हैं वहीं से अब आरती करेंगे और आरती के बाद में भंडारे में जाएंगे बाकी लोग, और आचार्यगण और यजमानगण जो शेष जो कार्य हैं उस शेष कार्य को पूर्णाहुति करने के पश्चात यहाँ का संपूर्ण कार्य होने के बाद पुनः वापस आएंगे। अब हम लोग चलते हैं आरती के लिए। राजा बहुला में करुण पायो रे तो अथवा चंद्रमा मन सूर्यो अजाय पकड़ लो सबको ओम पायाय स्वाहा प्रदवाय स्वाहा पिताय स्वाहा प्रदवे स्वाहा सदवे स्वाहा हृपदये स्वाहा ने मुखाय स्वाहा मुदाय वैरकोजिनाय स्वाहा वीरकोजिनाध्यायनाय स्वाहाध्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्याय स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा यन्द्रेराय जन्दासि जमन ऊर्जे हर हर महादेव।
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर मंगलतिलकर्णं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न कल्याणम् आरोग्यम् धनसंपदा शत्रुद्विपराजाय दीपज्योति नमोस्ते आगमार्थम् देवानाम् घण्टानादम् प्रभुवीत पश्चात् घण्टाम् प्रभुजयेत घण्टास्तदाय नमः सर्वोपचाराधे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पाञ्चजन्या विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खादिष्टात्र देवताभ्यो नमः सर्वोपचाराधे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि मणाय नमः मध्येपाम्पदे वरुणाय नमः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जयस्मिन् सन्निधिं कुरु कर्म पात्रं सम्पन्नं सुसम्पन्नात् उत्कं गृहीत्वा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो व्यायस्वे पुण्डरीकाक्षं वायाभ्यन्तर शुचिभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः सहितायो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सुमुखैकदन्तश्च कपिलो लम्बोधरश्च विघ्नो विघ्नाशो विनायका धूमकेतुनादश्च भारचन्द्रो गजाननादाचैतानि नामानि विपडे सुनिरासिविदारम्भे वाहेत प्रवेशे निर्गमे सा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोरात्मया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्निः द्वितीये प्रार्थे विष्णुपते श्रीश्वेद्वारा कल्पे वैवस्वद्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गतो हिमालयदेशे बद्रिकारण्ये बालकल्याश्रमे दक्षप्रजापतिक्षेत्रे मायापुरीमण्डले केदारखण्डे भागीरथ्याः पश्चिमे तीरे श्री गिरीशानन्द आश्रमे विक्रमशके बौद्धावतारे साधारणनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे वसन्त ऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे मासे
पुण्य पवित्रे मासे वैशाख मासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य महापर्वणि पौर्णिमायां शुभ पुण्यतिथौ अद्य वासरा वासरस्तु सौम्य वासरे अस्मिन् वर्तमाने स्वाति नक्षत्रे अस्मिन् वर्तमाने तुला राशिते चंद्रे अस्मिन् वर्तमाने मेष राशिते श्री सूर्ये अस्मिन् वर्तमाने कन्या राशिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्येषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्राः नामाहम् अच्युत गोत्रः नारायणो अहम् मम आत्मनः श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम् आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम् मम जन्म कुण्डल्यां सकाशात् एकेचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश क्रूर ग्रहीः सूचितम् सूचिष्य माणं च तद्दोष परिहारार्थं जन्मलग्नात् वर्षलग्नात् गोचरात् अरिष्ठितानां गृहाणां सद्य निरासार्थम् आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम् इन्द्रादि दश दिक्पाल प्रसन्नार्थम् धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम् सद्य आरोग्यता प्राप्त्यर्थम् मम गृहे मम आश्रमे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता सुख प्रसन्नार्थम् नित्य कल्याणार्थम् सदा सर्वदा शुभ फल प्राप्त्यर्थम् सकल कामना सिद्ध्यर्थम् चिंतित मनोरथ सिद्ध्यर्थम् विशेषतः मम पट्टाभिषेक दिवस निमित्तम् सांब सदाशिव ब्रह्मेश्वर देवता प्रीत्यर्थम् सुख प्रसन्नार्थम् च यथा लब्धोपचार द्रव्यैः सांब सदाशिव पूजन पूर्वक ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक कर्म अहम् कारयिष्ये तत्रादौ निर्विदता सिद्ध्यर्थम् गणेशाम्बिकयो पूजनं करिष्ये Tambar varam varam, shiravaram
दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनं सदाशिव ब्रह्मेश्वर देवता प्रीत्यर्थं सुप्रसन्नार्थञ्च ब्राह्मणद्वारा रुद्राभिषेकाख्यं कर्माहं कारयिष्ये वर्णसङ्कल्पः ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरसा द्विजीमसः सुरुजोपेन आवः समुद्र्या उपमानस्य विष्टाः सदशयो निमसदश विभाः गन्धा पान्तु समङ्गल्यं च सुवक्षदा पान्तु आयुष्यमस्तु ब्रह्माणि पान्तु सौषेयमस्तु हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।